लोकल एरिया नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स। तो एक लैन, जिसको हम आगे लैन के नाम से ही बोलेंगे, ये एक प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है जो एक बिल्डिंग, एक ऑफिस वहां तक काम करेगा, यानी घर और ऑफिस के लेवल तक काम करेगा, बिल्डिंग तक काम करेगा। तो यहां पर जितने भी आप देखेंगे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, आजकल के जितने भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जानकारी इधर उधर आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर वायर्ड नहीं है, लैन वायर्ड हो सकता है, अनवायर्ड हो सकता है, यानी कि ये वायरलेस भी हो सकता है बगैर वायरों का इस्तेमाल किए हुए। तो वायरलेस लैन सिस्टम जो है, यहां पर हर एक कंप्यूटर के पास एक मॉडेम होगा, मॉडेम में भी बताता हूं मैं क्या होता है, और एंटेना होगा, क्योंकि मॉडेम और एंटेना जरूरी है, रेडियो मॉडेम और एंटेना, ताकि आप कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके दूसरे कंप्यूटर से। हर एक डिवाइस ये किससे बात करता है लोकल एरिया नेटवर्क में, ये बात करता है एक्सेस पॉइंट से। अब एक्सेस पॉइंट क्या है, वायरलेस राउटर है, और बेस स्टेशन क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूं। अब आप यहां पर देखेंगे कि एक वायर्ड, पहली चीज तो मैं बताऊंगी, दो इसमें कनेक्शन दिखाने की कोशिश की है, ये है आपका वायर्ड, ये है आपका अनवायर्ड, या फिर कहें वायरलेस इसको कह रहे हैं। वायर्ड का मतलब यहां पर आपके वायर लगे हुए हैं। तो मान लीजिए ये आपका सिस्टम वन है, या कंप्यूटिंग डिवाइस एक है, हमेशा ये कंप्यूटर नहीं होगा, आज आपका मोबाइल भी इसकी श्रेणी में आ गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एक स्विच से कनेक्टेड है, इसमें कुछ पोर्ट्स हैं, यहां पर जैक है, इसमें आपने इसके साथ कनेक्टिविटी स्थापित की है, और ये स्विच के थ्रू आप ऐसे कनेक्शन स्थापित कर पा रहे हैं। इसके अलावा कोई बाहर का नेटवर्क है, या फिर और जो नेटवर्क के और कंटेंट है या कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका, इसको हम जो कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं स्विच्ड ईथरनेट, ईथरनेट स्विच्ड ईथरनेट। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आपके डिवाइसेस दिख रहे हैं, यहां आपका एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट यानी कि यहां से ये सारे के सारे इसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वायरलेस राउटर, एक्सेस पॉइंट, बेस स्टेशन का इस्तेमाल होता है। इसमें होता यह है कि पैकेट भेजे जाते हैं, जो वायरलेस कंप्यूटर है और इनके बीच में, आपस में और इसके बाहर भी, इंटरनेट के जरिए अगर आप कनेक्ट होते हैं तो वहां पर भी आप पैकेट भेजेंगे। एक मेश कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें आप आसपास के जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे को भी भेज सकते हैं। अब यहां पर मुद्दा क्या है कि आप यूं भेज रहे हैं और वहां से वो रिडायरेक्ट होकर आ रहा है, कोई भी डेटा आप यहां से भेजेंगे तो यहां से डायरेक्ट नहीं भेज सकते, आपको स्विच के थ्रू ही आना पड़ेगा। लेकिन जो मैश नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, यह भी तरीका है इसमें। और रिलेज, जैसे मैंने कहा कि वो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब होता है जहां पर जाके डेटा, जिसका डेस्टिनेशन है कि भाई आपने कहीं भेजा। अब ये जो ट्रैफिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासतौर पर एक्सेस पॉइंट और स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रैफिक कैसे आएगा जाएगा। वाईफाई ये एक बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड है वायरलेस लैन का, किसका, वायरलेस लैन का। इसका IEEE नंबर है 802.11। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत समय से ये चेंज हुए, मैं एक एक करके बता देता हूं। ये IEEE के अलग अलग स्टैंडर्ड है, 802.11A 1999 में आया, और 54 Mbps इसका मैक्सिमम डेटा रेट था। इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहां बताने की कोशिश की गई है, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं जो ISM बैंड्स में होती है, जो हमें फ्री में मिल जाए, उसके लिए कोई पेमेंट ना करना पड़े। इसी तरीके से बढ़ते उभरते ए बी जी एन ए सी ए एक्स, आप एडी भी देखेंगे कई जगह पे। तो यहां पर अब आज के समय अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन स्पीड 10-12 Gbps आपको मिल रही है। तो ये अलग अलग इसके नंबर्स हैं। ये जो वायरलेस लैन की बातचीत चल रही है, इसमें अलग अलग तरीके के ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह डेटा जाना है तो कैसे जाएगा, उसके लिए आप जो वायर यूज करेंगे वो कॉपर यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो लैन का साइज लिमिटेड होता है, ध्यान रखिएगा, और साइज लिमिटेड है तो एक अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि ये इस परिधि के अंदर है ना। जब ये परिधि के अंदर है तो हमें ये पता लग जाता है, हमें पहले ही पता है कि इसका वर्स्ट केस ट्रांसमिशन टाइम कितना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका लैन का साइज क्या है, या फिर लैन साइज लिमिटेड नहीं होता, तो आप ये चीजें नहीं पता कर पाते। वायरलेस जो वायर्ड लैन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो स्पीड ज्यादा मिलेगी, यानी कि डेटा बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा। वायरलेस में हमेशा स्पीड कम रहेगी, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है, हमेशा वायरलेस जो होगा वो स्पीड कम देगा, डेटा रेट कम देगा। तो वायर्ड लैन 100 Mbps से लेकर 40 Gbps तक जा रहा है, लो लेटेंसी है, लो लेटेंसी। अब इसमें क्या है कि
वायरलेस लैंड में आपको प्रॉब्लम क्या मिलती है कि जब आप वायरलेसली भेज रहे हैं तो ट्रांसमिशन एरर होगा, है ना, दिक्कतें आएगी इसमें, थ्रूपुट आपको कम मिलेगा, थ्रूपुट मतलब कितने समय में कितनी सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वायर्ड लैन जो होते हैं उसमें लेटेंसी मतलब यहां से शुरू किया और पहुंचा कितने समय में, तो यहां से यहां जो लेटेंसी है वो बहुत कम होती है वायर्ड लैन में, जिसमें आपने वाकई ये वायर्स यूज किए हैं, एरर्स बहुत कम होते हैं, थ्रूपुट आपको अच्छा मिलता है, ये सारी चीज आपको वायरलेस लैन में कम मिलेगी जिसमें आप वायरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है ईथरनेट, IEEE 802.3। इसको किसने बनाया इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कि ये जो ईथरनेट है 802.3 ये सबसे पुराना, बेहतरीन, सबसे कॉमन टाइप का, पॉपुलर टाइप का वायर्ड लैन है। इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये वायर्ड लैन ईथरनेट। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये है स्विच्ड ईथरनेट, क्योंकि ईथरनेट ये जो पीछे जो यहां पर लगा होगा ना, ये जो केबल इसके पीछे जैक है वो ये वाला है, आपके कंप्यूटर में इस तरीके से लगा होगा ये, और इसमें स्विच का इस्तेमाल किया गया है। स्विच के बारे में बात करेंगे, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। तो नेटवर्किंग डिवाइस स्विच को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है। इस तरीके से स्विच दिखता है, इसके पीछे ये पोर्ट होते हैं, और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, एक नेटवर्क स्विच एक ये नेटवर्किंग हार्डवेयर है जिससे आप नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे और पैकेट का आदान प्रदान करेंगे, मतलब पैकेट इसके पास आया ये आगे भेजेगा। लेकिन ये कैसे पता करेगा, क्योंकि पैकेट में इंफॉर्मेशन होगी, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा कि इसका डेस्टिनेशन कौन सा है पैकेट का। ये जो यहां पर मल्टीपोर्ट है, ये जो पोर्ट है ना, मल्टीपोर्ट है, तो नेटवर्क स्विच ये एक मल्टीपोर्ट नेटवर्क ब्रिज है जो मैक एड्रेस यूज करता है ताकि आपके जो डेटा लिंक लेयर है, मैं अलग अलग लेयर्स के बारे में आगे बात करूंगा वैसे मॉडल की, वहां पर फॉरवर्ड करता है, कहां करता है, DLL डेटा लिंक लेयर। तो हर एक जो डिवाइस है वो, क्योंकि इथरनेट की बात मैं कर रहा हूं, ये बकायदा प्रोटोकॉल है, ये जब जहां आप 802.3 या 802. समथिंग देखें, मान लीजिए कि प्रोटोकॉल है, मतलब पूरी तरीके से गाइडलाइंस वगैरह फिक्स है कि पैकेट का साइज ये होगा, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस इस तरीके से लिखा जाएगा, तो हर एक डिवाइस इथरनेट प्रोटोकॉल में बात करता है और ये स्विच के साथ कनेक्ट होता है, स्विच होगा, हब होगा, और पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनता है, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट एक लिंक बनेगी, इस तरीके से लिंक बनता है। अब स्विच क्या करेगा, स्विच का काम क्या होगा, ये पैकेट को भेजेगा। अब भेजेगा कैसे का, क्योंकि उसको उस, जैसे मैंने आपको यहां समझाया कि वो एड्रेस पड़ेगा हर एक पैकेट, मान लीजिए ये यहां से एक पैकेट गया, ये जो पैकेट पहुंचेगा तो स्विच के पास पहुंचेगा, स्विच पता करेगा कि इसको किसके पास भेजना है, जैसे यहां पर जैसे आपने डेटा भेजा तो वो इसको भेजना है या इसको भेजेगा, ये स्विच तय करेगा। स्विच के मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, और आप कंप्यूटर, कंप्यूटिंग डिवाइस बहुत सारे इसके साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लैन बड़ा करना है तो आप स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे, मतलब एक नेटवर्क ये हो गया, ये स्विच हो गया, फिर उसके बाद आपने ये स्विच लिया और ये नेटवर्क हो गया, तो इस तरीके से आप कनेक्टिविटी इसकी दे सकते हैं इसी के पोर्ट को लेकर। अब इसमें एक सवाल उठता है कि जब आप स्विच का यूज कर रहे हैं तो स्विच को अगर आपस में आपने जोड़ दिया, एक लूप बना दिया, तो फिर क्या होगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि ये स्विच लिया आपने और ये स्विच लिया, ये स्विच लिया, और इस तरीके से कनेक्टिविटी कर दिया आपने, यानी एक लूप बना दिया उसमें, और फिर कहीं नेटवर्क आपने इसमें जोड़ा, तब क्या होगा, डेटा कैसे जाएगा, कहां जाएगा। तो इसका भी वर्कआउट कर लिया गया है, कर लिया गया था बहुत पहले, इसको एक लेडी है उन्होंने बनाया था, और उसका जो एंटी लूपिंग एल्गोरिथम है वो इसमें यूज होता है, तो ये समस्या नहीं आती है अगर आप इन स्विचेस को आपस में लूप में कनेक्ट कर दे, तो एंटी लूपिंग एल्गोरिथम काम करता है। प्रोटोकॉल, ये बकायदा एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। एसटीपी बोल देता हूं मैं आपको, शायद थोड़ा आइडिया लग गया होगा, लेकिन ये प्रोटोकॉल काम करता है, इस प्रोटोकॉल के बारे में बहुत चर्चा करेंगे। तो प्रोटोकॉल ये डिसाइड करता है कहां से किधर जाना है, ठीक। अब एक और चीज इसमें आती है, और खासतौर पर यह देखिएगा कि जब ये लूप में हम कनेक्ट करते हैं ना, तो ये लूप ट्रैफिक रेड लाइन में दिखा रहा है कि भाई ये ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन इसको तो कहीं जाना है। और कई चीज इसमें, एक और चीज टेक केयर की जाती है, वो फ्लडेड ट्रैफिक है, मतलब एक जगह पे बहुत ज्यादा डेटा जा रहा है, फ्लडिंग ऑफ ट्रैफिक। एक बड़े फिजिकल लैन को आप छोटे छोटे लैन में लॉजिकल में डिवाइड कर सकते हैं। लॉजिकल में कैसे डिवाइड करेंगे, पहले मैं इसको क्लियर करता हूं तो आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा लैन है, उसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, क्यों करना चाहेंगे, एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एक पूरा एक डिपार्टमेंट है आपका, इसमें आपका ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये आप चाहते हैं कि भाई इनका अलग अलग काम हो, इनके खुद के नेटवर्क हो। वैसे ये सारे के सारे एक नेटवर्क से जुड़े हैं, एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके दो पार्ट बन जाए, जो वर्चुअल लैन बन जाए, मतलब एक्चुअल लैन नहीं है वो, लेकिन वर्चुअली हम बना देते हैं उसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हर एक पोर्ट को हम एक कलर असाइन कर देंगे। मान लीजिए ये जो ग्रीन पोर्ट है, मतलब ये जो ग्रीन पोर्ट है, ये राउटर और स्विच, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल समझ लीजिए राउटर स्विच एक ही लेवल पे आप समझ लीजिए, लेकिन ये अलग अलग लेयर पे काम करते हैं, गेटवे भी आएगा आगे चल के। अभी फिलहाल ये समझिए कि हम वर्चुअल लैन कैसे बना रहे हैं। हमारे हर एक पोर्ट को कलर से कर देते हैं रिप्रेजेंट, कि मान लीजिए ग्रीन जो होगा ये इंजीनियरिंग के लिए हो गया, और ये जो रेड हो गया ये फाइनेंस के लिए हो गया। अब क्या होगा कि स्विच उसी तरीके से फॉरवर्ड करेगा पैकेट, जो ब्रॉडकास्ट पैकेट है वो तो रेड पोर्ट पे जा रहे हैं, मतलब सारे पोर्ट पे जा रहे हैं, ब्रॉडकास्ट पैकेट तो सब पे जाएगा। लेकिन अगर आप वो पैकेट भेज रहे हैं जो केवल ग्रीन के लिए इंटेंडेड होंगे या रेड के लिए इंटेंडेड होंगे, वो वहीं जाएंगे। इस तरीके से हम वर्चुअल लैन भी बना सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में जो ईथरनेट डिजाइन है वो करता क्या है, वो सारा का सारा पैकेट भेज देगा, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है एक तरीके से, है ना। अगर आप एक केबल लेंगे तो उसमें सीधा सीधा भेज देगा। अब जो स्विच ईथरनेट है, जिसको हम क्लासिक ईथरनेट भी बोलते हैं, जिसमें हम स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्विच ईथरनेट है, इसमें हम जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है आपके, वो एक स्विच के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं। तो ईथरनेट डिजाइन में क्या हो रहा है कि भाई हम ब्रॉडकास्टिंग वाली चीज इसमें देख रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जब भी केबल आइडल होगा, जैसे ये केबल में डेटा भेजा इन्होंने, अब केबल में डेटा तभी भेजा जाएगा जब केबल आइडल होगा, यानी कि उसमें और कहीं से डेटा या कहीं ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होगा। अब मान लीजिए आपने यहां डेटा भेजा और कोई और भी डेटा भेज रहा, तो यहां पर कोलिजन हो जाएगा, है ना। ये एक इसका मैंने कोशिश की है बताने की कि कैसा ये काम करता है। हर एक जब भी एक कोलिजन हो गया तो हर एक कंप्यूटर क्या करेगा, ये वेट करेगा रैंडम टाइम के लिए, ये रैंडम टाइम दोनों के अलग अलग होंगे, और उसके बाद ये दोबारा कोशिश करेगा। यही तरीका है डेटा को भेजने का। तो वो दोनों के दोनों, चाहे आप वायर्ड ले या वायरलेस ब्रॉडकास्ट लैन ले, वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको उसी समय स्टैटिकली या डायनेमिकली दोनों असाइन करते हैं। तो अगर आप स्टैटिक एलोकेशन देखें, वो क्या करेगा कि टाइम को अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए ये टाइम ये है, इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर देगा। अब मशीन वन को बोलेगा कि आप इस समय करो ट्रांसमिट, मशीन टू इस समय ट्रांसमिट करेगी, इस तरीके से मशीन थ्री इस समय ट्रांसमिट करेगी, ठीक है जी। जैसी जिसका समय आएगा, मैं टिपिकल स्टैटिक एलोकेशन बता रहा हूं कि डेटा या ट्रांसमिशन कब करना है। तो हमने राउंड रॉबिन में किया कि भाई पहले आप M1, M2, M3, M4, M5, फिर उसके बाद फिर M1, M2, M3, ये टाइम लाइन डिसाइड कर ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे M2 का समय आया है ना, उसको ये पूरा टाइम मिलेगा, मान लीजिए ये एक मिली सेकेंड हम दे देते हैं, लेकिन M2 कुछ भेजना ही नहीं चाहता है, और बार बार ये जब राउंड रॉबिन में चलेगा तो M2 नहीं भेजना चाह रहा, मान लीजिए M4 भी नहीं भेजना चाह रहा है, ये भी नहीं भेजना चाह रहा है, फिर क्या होगा, ये समय खराब हो जाएगा, इससे चैनल कैपेसिटी आपकी वेस्ट होती है। तो डायनेमिक एलोकेशन मेथड है इसके लिए, ये एक सेंट्रलाइज भी हो सकते हैं, डिसेंट्रलाइज भी हो सकते हैं। सेंट्रलाइज क्या होते हैं और डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं, इसको समझना होगा। देखिए डेटा ट्रांसमिशन का जो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक आपने देख लिया इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, डायनेमिक भी हो सकता है। डायनेमिक में दो भाग और आ जाते हैं, एक सेंट्रलाइज होता है और एक डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज में क्या होगा कि एक, जैसे मान लीजिए सेलुलर नेटवर्क की बात कर लीजिए, तो इसका एक बेस स्टेशन होगा, ये डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा डिवाइस, कौन सा मशीन अगली बार भेजने वाला है, ठीक है। ये कर सकता है कि कोई इसके पास एक इंटरनल एल्गोरिथम होगा, ये कौन से एल्गोरिथम होंगे इसके हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन के लिए कल एल्गोरिथम होगा, उसे डिसाइड करेगा कि भाई अब किसको भेजना चाहिए। सेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होगा कि हर एक मशीन अपने आप डिसाइड करेगी कि मुझे कब भेजना है, इसको डिसेंट्रलाइज्ड चैनल एलोकेशन कहते हैं, कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं होगी इसमें।